51.5 सेल्सियस डिग्री हो रहा है भाई। इतनी गर्मी है कि आप ऐसा समझो कि आपके चारों तरफ आग लगी है और आप बीच में खड़े हो भाई, आग बरस रही है। आग मेरे आगे जो डंप ट्रक जा रहा है भाई, इसने अपनी लाइटें जला दी हैं और बिल्कुल अपनी गाड़ी स्लो कर ली है। ये ऊंट रोड पे आ चुके हैं, ये देखिए। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ जी भाई साहब, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं सो के उठ चुका हूँ। रात को मैं इस पार्किंग में सोया था। काफ़ी बड़ी ये पार्किंग है। इधर इस साइड पे देख सकते हो आप, ये टिन शेड लगा हुआ है, ये स्केल है और इसके साथ में ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है। अभी तो सब लोग यहाँ से चले गए हैं। परवेज़ भाई का ट्रेलर इस साइड पे खड़ा है, ये आप देख सकते हो। तो 4.5 या 5 घंटे आराम से हम सो लिए हैं। अभी तो परवेज़ भाई तो सोकर उठे ही नहीं है, तो चलिए उनके पास जाकर उनको उठाता हूँ। और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने बनाया जद्दा से लेकर ताइफ तक, और दूसरा ताइफ से रियाज तक, और तीसरा होगा ये रियाज से दम्माम तक। तो परवेज़ भाई भी उठ चुके हैं, मैं तो उठ के फ्रेश हो चुका हूँ, हाथ मुँह धो लिए हैं, अपना ब्रश कर लिया है। तो अब यहाँ से निकलेंगे हम दम्माम के लिए। यहाँ से निकलने के बाद पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम कहीं नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप जाएंगे दम्माम। और दम्माम का सफ़र यहाँ से रहता है 380 किलोमीटर। तो चलिए जी, यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। काफ़ी लेट हो चुके हैं, मुझे लगता है कि आधा घंटा हम लेट हो चुके हैं, उठने के बाद आधा घंटा इधर ही ख़राब हो चुका है। तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं अब हम दम्माम के लिए। तो भाई ये दम्माम रोड है, स्केल की पार्किंग से निकलने के फ़ौरन बाद ही सामने ये एक चेक पॉइंट है। आप देख सकते हो सामने ये चेक पॉइंट नज़र आ रहा है। तो चेक पॉइंट से निकलने के फ़ौरन बाद ही ये एक पंप है और हमको डीजल भराना है, लेकिन हम डीजल यहाँ पे नहीं भराएंगे। यहाँ से 40 किलोमीटर आगे एक और पंप है, हम वहाँ पे डीजल भराएंगे और वहाँ पे एक होटल भी है, वहाँ हम नाश्ता भी कर लेंगे। यानी दोनों काम एक ही जगह हो जाएंगे, हमको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। हज़ारों गाड़ियाँ जद्दे की तरफ से आती हैं जिनको दम्माम जाना होता है, और वो सभी रियाज क्रॉस कर कर सो जाते हैं। कोई पंप पे सो जाता है, कोई किसी पार्किंग में सो जाता है, और कुछ गाड़ियाँ रियाज से भी निकलती है दम्माम जाने के लिए। तो दम्माम रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो 8 बजे से पहले पहले सभी लोग यहाँ से उठकर आगे जा चुके हैं। तो यानी पूरा ट्रैफिक हमसे आगे है, हमारे पीछे तो थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ होंगी जो लेट उठने वाले हैं हमारी तरह। तो उम्मीद यही है कि रोड पर ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि 3 बजे से पहले पहले हमको दम्माम जाकर डिलीवरी देनी है। तो ये लो जी भाई साहब, पंप के अंदर एंट्री हो चुकी है। पहले भरा लेते हैं डीजल, बाकी काम होगा बाद में। नहीं तो डीजल के लिए किसी भी पंप पे चले जाओ, लाइन मिलती है। शायद यहाँ पे तो लाइन नहीं है अभी, एक एक घंटे में नंबर आता है भाई, एक घंटा कौन बर्बाद करेगा। अपने पास तो वैसे ही एक एक मिनट कीमती है आज, क्योंकि हम पहले ही एक घंटा लेट हो चुके हैं। तो चलो, लाइन तो नहीं है, एक गाड़ी खड़ी है वो तो दूसरी तरफ है, डीजल भरा लेते हैं भाई। इधर ये पेप्सी कंपनी की गाड़ी खड़ी है भाई, बिल्कुल बीच में लगा के रखी है, दोनों तरफ जगह ही नहीं है जाने की। तो चलो, उसने हटा लिया। आ जा भाई, जल्दी आ जा। तो भाई डीजल डलना शुरू हो चुका है, ज़्यादा नहीं डलाएंगे, सिर्फ 200 रियाल का डलाएंगे। दम्माम जाएंगे, दम्माम से फिर वापस आएंगे रियाज तक, रियाज क्रॉस करने के बाद फिर टैंक फुल कराएंगे जद्दा जाने के टाइम। डीजल डालने के बाद में हम यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ घूम के जाएंगे, और पीछे कहीं पे भी अपना ट्रेलर खड़ा कर देंगे, और फिर इस साइड में ये होटल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गेट नज़र आ रहा है, इधर ये पाकिस्तानी होटल है। तो यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे, और नाश्ता करने के बाद फिर हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे जाएंगे दम्माम। और अभी दम्माम यहाँ से मेरे ख़्याल में तकरीबन 340 किलोमीटर होगा, या 60 या 40 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं किस टाइम तक पहुँचा जाता है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम पहुँचेंगे दम्माम 3:30 बजे। अब देखते हैं अपना आइडिया कहाँ तक गलत निकलता है, वैसे अपना आइडिया बहुत मुश्किल से फेल होता है। इधर देखिए आप सऊदी अरब का जंगल, ऐसा जंगल है, सिर्फ रेत ही रेत है और कुछ नहीं है। देखो जहाँ तक भी निगाह जाएगी सिर्फ जंगल ही नज़र आएगा, कुछ भी नहीं है भाई सिवाय जंगल के। और जंगल में बना हुआ है ये पंप, क्या हुआ यार, नोजिल बार बार कट मार रहा है, क्या मसला है। टैंक तो फुल ही होने वाला है, 200 रियाल में ही फुल हो गया ये तो भाई, ये हो गया भाई 200 रियाल का। तो भाई यहाँ पार्किंग के नाम पर सिर्फ एक ये रोड है जो पंप के पीछे से गुजरता है, आप डीजल भराओ और इस रोड से घूमकर ऐसे पीछे पंप से बाहर निकल जाओ। 2-4 ट्रेलर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं,
वैसे पीछे की तरफ तो पुलिस वाले भी नहीं आता है नो पार्किंग के लिए। वैसे इतना जंगल इधर पड़ा हुआ है, कहीं भी एक पार्किंग बना सकते हो पंप के बराबर में, लेकिन भाई साहब इनको इतनी अकल ही नहीं है। कसम से ट्रेलर वालों की मुसीबत आ रखी है सिर्फ पार्किंग की वजह से। पार्किंग अगर मिल जाए ना सऊदी अरब में ट्रेलर को तो बड़ी खुश नसीबी की बात है। तो चलिए इस साइड पे ये होटल है, नाश्ता कर लेते हैं यार पहले। भाई यहाँ पे भी नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है, लेकिन इस पे लिखा है पार्किंग नॉट अलाउड फॉर मोर देन 3 आवर्स। तो कोई बात ही नहीं भाई, 3 घंटे तो हम नहीं रुकेंगे, हम तो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। चलिए जी भाई साहब, नाश्ता हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं बाहर। नाश्ता करने के बाद एक चाय ले ली है, तो चाय को तो हम चलती चलती गाड़ी में पी लेंगे। तो चलिए जी पंप से बाहर निकल जाते हैं, पीछे देख लेते हैं पहले, काफी दूर तक कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है। एक आ रहा है, वो मुझको देखकर अपनी लाइन चेंज कर लेगा, नहीं तो मैं भी यहीं पे चलता रहूंगा, वो निकल जाएगा, उसके बाद में फिर मैं रोड पे आ जाता हूँ। पीछे देखना बहुत ज़रूरी है भाई। अब जैसे ये आगे निकल गया भाई, उसके बाद हम आ जाते हैं रोड पे। अगर मैं अचानक से रोड पे आ जाता हूँ, पीछे से आने वाले का ध्यान नहीं है, तो भाई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कोई नहीं भाई साहब, पहले हम चाय पी लेते हैं, आगे की बातें करेंगे बाद में। तो भाई रियाद से 100 किलोमीटर निकलने के बाद यहाँ से एक रोड जाता है बिल्कुल सीधा, इसको बोलते हैं दम्माम रियाद एक्सप्रेसवे, और एक रोड जाता है यहाँ से राइट, ये भी दम्माम जाता है। अगर आप सीधे जाते हो तो दम्माम यहाँ से 300 किलोमीटर है, और अगर आप यहाँ से जाते हो राइट होकर तो यहाँ से दम्माम 340 किलोमीटर। अगर हम दम्माम एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो भाई इस रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि आप ओवरटेक तो किसी एक गाड़ी को कर ही नहीं सकते। यानी कि अगर आपको 80 की स्पीड पे चलना है ना, तो भाई आपको दम्माम तक सेकंड ट्रैक में जाना पड़ेगा, यानी आपको ओवरटेक लाइन में ही चलना पड़ेगा। और भाई 3000 रियाल का फाइन है दम्माम रोड पे, बिल्कुल छूट नहीं है 1 रियाल की भी, तो इसलिए मैं उधर से जाता ही नहीं हूँ। इधर से 40 किलोमीटर ज़्यादा चला लेंगे, ये रोड बिल्कुल जंगल जंगल के रास्ते से जाता है, इधर पुलिस वाले भी कम होते हैं और ट्रैफिक तो बिल्कुल उस रोड के मुकाबले तो इधर ट्रैफिक जीरो है। इस रोड पे हमारी गाड़ी 80 की स्पीड पे चलती रहेगी, लेकिन दम्माम रोड पे नहीं चलेगी, तो इसलिए हम यहाँ से जाना पसंद करेंगे। और भाई हालत ख़राब हो जाती है बैठे बैठे दम्माम रोड पे तो। और दूसरी बात भाई, रोड टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत गड्ढे हैं रोड में, तो इस वजह से भी मैं उधर से नहीं जाता हूँ, इधर से जाएंगे अपना भागम भाग। भाई अभी टाइम हुआ है 11:44, और भाई गर्मी इतनी हो चुकी है हद से ज़्यादा। इधर देखिए टेम्परेचर कितना हो रहा है, 46 हो रहा है भाई, बहुत गर्मी है सच में। ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चल सकते यार इतनी गर्मी में, टायर फटने का भी खतरा होता है। और जंगल देखिए भाई किस तरीके का है, सूखा जंगल है बिल्कुल। हज़ारों किलोमीटर चले जाओगे ना तो भाई आपको एक पेड़ भी नज़र नहीं आएगा, पानी की एक बूंद आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ये सूखा जंगल ही मिलेगा। तो सऊदी अरब में वैसे भी ये जो एरिया है ना, जिस एरिया में मैं अभी हूँ, सबसे गर्म एरिया है भाई। ज़मीन के नीचे पूरा डीजल पेट्रोल है, यहाँ पे जगह जगह रिग बने हुए हैं, आरामको हैं, ये खुरेस रोड है भाई। मेरे आगे ये डंप ट्रक जा रहा है ना, काफ़ी देर से मैं इसके पीछे हूँ, क्योंकि पुलिस वाला यहाँ पे चक्कर काट रहा था, इसकी वजह से मैंने इसको ओवरटेक नहीं किया। तो भाई ये 40 की स्पीड से ऊपर ही नहीं जा रहा है, कभी 40 चलता है, थोड़ा रोड में ढलान आ जाता है तो 60 की स्पीड तक इसकी गाड़ी पहुँच जाती है। तो काफ़ी देर से इसने मेरा मूड ख़राब कर रखा था, जाके मैंने इसको ओवरटेक किया है, पुलिस वाले चक्कर काट रहा था बार बार, इस वजह से मैं ओवरटेक नहीं कर पाया। अब इसको ओवरटेक कर लिया तो कम से कम 85-80 की स्पीड में हम चलेंगे। और भाई दम्माम तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर हो जाएगा 48 या 49। भाई दम्माम में अगर आपने धूप में आधा घंटा काम कर लिया ना, तो भाई साहब आप ये समझो कि चक्कर खा के आप नीचे गिर जाओगे। पिछली बार मैं दम्माम आया था अब से 8 दिन पहले, भाई मैंने एक बार लोड उतारा है, फिर लोड किया है, वहाँ से लोकल का लोड था, फिर उसको उतारा है, भाई मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, चक्कर आने लगा था कसम से, इतनी गर्मी थी। मतलब दम्माम में एंड होता है भाई गर्मी का, दम्माम से ज़्यादा गर्मी पूरे सऊदी अरब में किसी जगह नहीं होती है। जब सर्दी का मौसम आता है ना भाई, तो दम्माम से ज़्यादा सर्दी भी किसी जगह नहीं होती, ये भी हकीकत बात है। Thank you.
भाई टाइम हुआ है 12 और दम्मा में यहाँ से 227, कतर 272 और दुबई यहाँ से रहता है 400 कुछ किलोमीटर है शायद, मैंने देखा नहीं। और यहाँ रोड पे आ चुके हैं भाई ऊंट। मेरे आगे जो डंप ट्रक जा रहा है भाई, इसने अपनी लाइटें जला दी हैं और बिल्कुल अपनी गाड़ी स्लो कर ली है। ये ऊंट रोड पे आ चुके हैं, ये देखिए भाई। ऊंट के साथ में बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल मिट्टी का कलर और ऊंट का कलर बिल्कुल सेम है। अगर ये रात को रोड पे आ जाता है ना तो भाई बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। अब देखिए इनको कोई संभालने वाला नहीं है, तो इधर पे तारबंदी भी नहीं है, तो ये रोड पे आ जाते हैं। ये तो शुक्र है कि आगे वाले ने देख लिया ध्यान से, नहीं तो ऊंट के साथ में बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है भाई। ऊंट का खास तौर पे ध्यान रखना होता है। अगर ऊंट आपकी गाड़ी से टकराते हैं ना भाई, ऊंट की कीमत भी आपको देनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी तो टूट ही जाएगी और हो सकता है आपके ऊपर कुछ और भी जुर्माना लगे, क्योंकि यहाँ का नेशनल एनिमल ऊंट है, इसलिए सऊदी अरब के लोग ऊंट को बहुत प्यार करते हैं। भाई जंगल के रोड पे अकेला जा रहा हूँ, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 10-5 मिनट में एक कार गुजर जाती है अपने बराबर से या सामने वाले रोड से आ जाती है कोई कार, बाकी तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ पूरे रोड पे। और साइडों में आप देख सकते हो डेजर्ट के अलावा कुछ नहीं है, और गर्मी ने तो बिल्कुल एंड कर दिया है। एसी काफ़ी तेज़ मैंने चला के रखी है इसलिए मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन ये मुझे एहसास है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। बगैर चश्मे के तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते भाई, आपकी आंखें बिल्कुल ख़राब हो सकती हैं, रोशनी आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी में आप बगैर चश्मे के तो बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकते। इतनी धूप में अगर मैं बगैर चश्मे के 100 मीटर आगे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि रोड पर पानी भरा हुआ है, लेकिन वो गर्मी की तपिश होती है, ऐसे भाप की तरह नज़र आता है रोड पर कि जैसे आगे आग लगी हुई है। तो गर्मी बिल्कुल एंड होता है गर्मी का यहाँ पर, तो इसलिए मुझे तो बगैर चश्मे के आदत ही नहीं है गाड़ी चलाने की। सुबह 8 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक मैं चश्मा लगा कर रखता हूँ। अगर आप बगैर चश्मे के गाड़ी चलाते हो तो आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं भाई। और बाकी आप देख लो मैं यहाँ किस तरीके से बैठा होता हूँ, सिर्फ एक हाथ स्टेयरिंग पर होता है और दोनों पैर ब्रेक से एक्सीलेटर से अलग होते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी अपनी क्रूज़ पर लगा कर चलाता हूँ। 80 की स्पीड में मैंने क्रूज़ लॉक कर दिया है, अब अपनी गाड़ी 80 की स्पीड पे चलती रहेगी। जो ये साइड में पर्दा है ना, इस पर्दे को मैंने थोड़ा आगे किया हुआ है, अगर इसको मैं आगे नहीं करूँगा ना तो जो विंडो गिलास है ना उसकी तपिश अंदर तक आती है, चेहरे पे महसूस होती है, तो ये पर्दा आगे करने से वो तपिश अंदर आने से बच जाती है। तो भाई 150 किलोमीटर चलाने के बाद ये रोड यहाँ से डिवाइड हो जाता है, हमको यहाँ से जाना है राइट वाले कट पे। अभी ये सामने एक फ्लाईओवर आ रहा है, यहाँ से चार तरफ रास्ते जाते हैं। अगर आप इस फ्लाईओवर से राइट जाते हो तो ये हरद को निकलते हुए अल खरज और फिर जाता है रियाज, और अगर आप इस फ्लाईओवर के नीचे से सीधे जाते हो तो ये अल हसा को निकलते हुए कतर और दुबई जाता है, और अगर इस फ्लाईओवर के नीचे को निकलने के बाद आप राइट टर्न हो जाते हो तो ये अबकेक को निकलते हुए दम्माम जाता है। तो हमको जाना है यहाँ से दम्माम से सीधे अल हसा, कतर और दुबई वाले जाएंगे और हमको जाना है दम्माम, इसलिए हम हो जाएंगे यहाँ से राइट, और राइट टर्न होकर हम चढ़ जाएंगे दूसरे रोड के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए यहाँ एक छोटी सी बुफिया बनी हुई है, आप सैंडविच वगैरह चाय कॉफ़ी पेप्सी पानी यहाँ से ले सकते हो, काफ़ी ट्रेलर यहाँ पे खड़े हैं। भाई अब के एक रोड पे लहसा से लेकर दम्माम तक अगर आप ओवरटेक करते हो और पुलिस वाले की नज़र में आ गए तो भाई 3000 रियाल का फाइन बिल्कुल पक्का है और 24 घंटे की जेल। पुलिस वाले बहुत हैं इस रोड पे, आप देख सकते हो ये खड़ा है, ये पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी है भाई, अगर किसी ने गलती कर दी तो ये छोड़ेगा ही नहीं, ये देख सकते हो।
तो ये लो जी भाई साहब, तब मैं एंट्री करने से पहले यहाँ पे आ चुका है धर्म कांटा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केल और अरबी में बोलते हैं मीज़ान। पूरा खंडर इलाका है, टूटे फूटे रोड है बिल्कुल। कस्टमर ने भाई जहाँ पे बोला है लोड उतारने के लिए वहीं पे जाना पड़ेगा। इधर देखो भाई आप, लोबेट वाले ने ये अशोक लीलैंड की बस है, इसको यहाँ पे उतारा है रैंप पे। ये देखो भाई, इंडिया की बसें बहुत होती हैं सऊदी अरबिया में, टाटा और अशोक लीलैंड की बसें बहुत हैं, बहुत बसें हैं भाई। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं ना, तो उसमें लेबर के लिए ये बसें काम आती हैं, क्योंकि कच्चे रास्तों पे इनको चलना होता है। और भाई ये गाड़ी इतनी मजबूत होती है, कच्चे रास्ते पे तो ये पूरी दौड़ के जाती है। और जो लग्जरी बसें होती हैं ना भाई, उनके बस का बात नहीं है, वो सिर्फ बड़े बड़े हाईवे पे चल सकती है। बाकी रिगो पे जाना हो, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, या फिर डेजर्ट के एरिया में जाना हो, आरामको में जाना हो, तो वहाँ पे भाई अपना ये इंडिया की बसें काम करती हैं, टाटा और अशोक लीलैंड, जिंदाबाद। शायद इस साइड पे गेट है, तो चलिए देखते हैं। इधर ये रैंप बना हुआ है, यहाँ पे एक लोबेट खड़ा है, यहाँ पे तो अपना ट्रेलर खाली नहीं होगा, हमको तो कुछ और ही इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो इसका उतारने के टाइम में बम्पर भी टूट सकता है। और अगर इस रैंप पे हम अपना ट्रेलर लगाते हैं तो भाई अपने ट्रेलर का रैंप टूट जाएगा। तो भाई 2:55 हो चुकी हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन। भाई मैंने आपको बोला था कि दम्माम में 47-48 टेम्परेचर होता है, अभी देखिए आप 51.5 सेल्सियस डिग्री हो रहा है भाई। इतनी गर्मी है कि आप ऐसा समझो कि आपके चारों तरफ आग लगी है और आप बीच में खड़े हो। तो भाई अपना ट्रेलर मैंने यहाँ पे नीचे उतार दिया कच्चे रास्ते में, और ऊपर ये सड़क है तो यहाँ से ये काफ़ी ऊपर है, तो जब गाड़ी को इसका उतारेंगे ना टैंकर को, तो इसका जो पीछे का बम्पर है वो ज़मीन में टच नहीं होगा अभी। तो अभी तो परवेज़ भाई का मैं इंतज़ार करूँगा, वो नहीं आए, वो आ जाएंगे तो उसके बाद ही फिर कुछ करते हैं। वो पीछे रुक गए थे एक जगह, इसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो जंजीरें मैंने खोल दी हैं एक साइड की, तो अभी एक साइड की बाकी रहती है, इसको खोल देता हूँ। भाई ये लॉक मैंने इतना टाइट कर दिया था कि यहाँ से देखिए आप, ये चादर ना ऊपर की तरफ हो चुकी है, क्योंकि लॉक ऊपर की तरफ लगाया था मैंने, और अंदर की तरफ से भी वो नीचे की तरफ आ चुकी है, बहुत टाइट मैंने इसको कर दिया था, तो ये लॉक इसके अंदर अभी फंस चुका है। अभी इसको निकाल दे। देखिए भाई ट्रेलर पे कितनी बड़ी क्रेन लोड की है इन लोगों ने, बहुत बड़ी ये क्रेन है, कम से कम क्रेन का अपना वज़न होगा इसका 50 या 60 टन हो सकता है। तो चलिए भाई पहले इसको टैंकर को उतारते हैं, अभी देखते हैं पीछे लगता है कि नहीं। आ जाओ, आ जाओ, उतार दो, बहुत बहुत दूर है, चलो चलो। चलो 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 बस। तो भाई परवेज भाई का टैंकर उतारते हैं यहीं पे ऑन रोड, वो बोलते हैं कि मैं लकड़ी लगा के उतार दूंगा। तो मैं बैठा हूँ भाई गाड़ी के ऊपर और परवेज भाई लगा रहे हैं नीचे लकड़ी, उसके बाद मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, तो इसका तो पूरा वीडियो नहीं बन पाएगा। तो चलो भाई एक जगह से अपना होता है काम ख़त्म, अब चलते हैं हम अपनी कंपनी। गर्मी ने तो कसम से एंड कर दिया, 51.5 भाई आग बरस रही है आग। अपनी कंपनी का छोटा सा टूर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये अपनी कंपनी की ब्रांच है भाई दम्माम में, यहाँ पे काफ़ी कारें खड़ी होती हैं, और इसने लोड कर लिया 4 गाड़ियाँ रियाज के लिए, और इस साइड पे 2 ट्रेलर खड़े हैं, ये अभी लोड लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमको क्या मिलता है। जिस कार को मैंने उतारा है वो ये खड़ी है रेड कलर की। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, आने वाली दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। अभी मैं दम्माम ब्रांच में हूँ अपनी कंपनी में, और यहाँ से मैं लोड करता हूँ ये 3 कार रियाज के लिए, एक ये साइड पर खड़ी है और एक ये इधर है और एक ये है। ये 3 कार लोड करूँगा दम्माम से रियाज के लिए, इसको कल सुबह इंशाल्लाह रियाज में खाली करेंगे। तो चलिए पहले इसको लोड कर लेते हैं।